बैठो। देखो आज मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है। बथुए की हरी सब्जी, मूंग की गाढ़ी दाल, मोटे आटे से बनी गर्मा गर्म रोटी वो भी घी लगाकर, आमले का अचार और मीठे में देसी चावल, राजगिरा और रागी से बनी विविध खीर। भाई वाह, ये सब कहाँ से सीखा तूने? ये सब पास के आयुर्वेदिक अस्पताल के डॉक्टर साहब से। और क्या क्या सीखा वहाँ से? और बहुत कुछ माँ, गर्भिणी के संपूर्ण आहार, जैसे महीने में क्या विशेष खाना है, क्या नहीं खाना है, सब कुछ। क्या रोज यही खाना पड़ेगा? अरे नहीं बाबूजी, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे? ऋतु अनुसार जो भी हरी सब्जियाँ मिले, जैसे मेथी, पालक, बथुआ, सहजन आदि, और मुनक्का, और दाल में भी कभी मूंग तो कभी मोठ तो कभी मसूर, लेकिन एक कटोरी गाढ़ी दाल जरूरी है। और आज घी डाला है, कल मक्खन डाल के रोटी खाएंगे। और मीठे में? इसके अलावा कभी चुकंदर या सिंगाड़े का हलवा, कभी मुनक्का डालकर खा सकते हैं, और दूध पी सकते हैं कितना भी, लेकिन एक गिलास कम से कम, और फल खा सकते हैं जैसे सेब, अनार, केला। अब जरा इन्हें कारण भी बता दे। बाऊजी, रक्त की कमी होना ना सिर्फ कमला की सेहत के लिए बुरा है, बल्कि हमारे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत बुरा है। इसीलिए हर रोज हमें थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों का सेवन करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दिन में थोड़ी देर बाई करवट से सोना भी चाहिए। बिल्कुल। आजा बहू, खाना खाते हैं। आत्मनिर्भर बने माँ और बच्चा, जब पोषण मिले सच्चा।